नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त टीडी कॉलेज परिसर में मैं हूं। टीडी कॉलेज में जहां देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभाकक्ष है जहां छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बताते चले कि देवेंद्र सिंह छात्र संघ के अध्यक्ष 1996 और 97 में रहे। उसके बाद 2004 के आसपास वह विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव भी लड़े। देवेंद्र सिंह की छात्र राजनीति से और आज की राजनीति में बात करें, उस वक्त की राजनीति में जब देवेंद्र सिंह छात्र राजनीति से सदन तक पहुंचने का एक प्रयास किया था उन्होंने, आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज छात्र संघ से जुड़े नेता, अध्यक्ष, पदाधिकारी, शुभचिंतक, समाजसेवी, तमाम लोग आज देवेंद्र सिंह के पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित हैं। और यहाँ जो गोष्ठी हो रही है उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो वक्ताओं के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह ने छात्र राजनीति से लगाए और उस वक्त की राजनीति तक कितना मेहनत, कितना परिश्रम किया है। उनकी सोच थी कि छात्र संघ आगे बढ़े और छात्र संघ से निकला हुआ एक छात्र नेता वह लखनऊ, दिल्ली के सबसे बड़े सदन में पहुंचे। एक प्रयास था विधान परिषद सदस्य चुनाव का, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन सीख जरूर मिली कि एक आम आदमी भी विधान परिषद का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। वोट मिले चाहे ना मिले, सोच अपनी बेहतर होनी चाहिए। शायद इसी सोच को लेकर देवेंद्र सिंह चुनाव लड़े और पराजित तो हुए, लेकिन आज भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा इस गोष्ठी के माध्यम से, इस पुण्यतिथि समारोह के माध्यम से आज बताई जा रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।